Hello friends, I know you must be missing your school because you cannot come to school due to this pandemic situation of COVID-19. But do not worry, we will not let you miss your school, and we are here to provide you some digital education with the help of digital education. You will be able to study at your home itself. And today we are starting with chapter 1 of class 4 EVS, that is going to school. I hope you will understand this chapter very nicely. We will discuss half of this chapter today and half of this chapter tomorrow. So hum aadha aaj padhenge aur aadha kal padhenge. So let's begin. First of all, going to school मतलब स्कूल जाना. हम जब स्कूल जाते हैं तो उसके कई सारे रास्ते होते हैं. अलग अलग जगहों पे भारत के जो भी सारे इलाके हैं वहाँ बच्चे कौन सा रास्ता अपनाते हैं अपने स्कूल की तरफ जाने के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम आप ही की कहानी डिस्कस करते हैं. आप कैसे स्कूल आते हैं? आपको घर से वैन पिकअप करने आती है या आपके पेरेंट्स जो है आपको स्कूल पे छोड़ने आते हैं और स्कूल से लेने भी आते हैं? बट इस दुनिया में कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इतनी आसानी से स्कूल जाने को नहीं मिलता. उन्हें अगर पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप स्कूल जाना पड़ता है, और वो भी रास्ते कैसे कैसे होते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज बैम्बू ब्रिज, आसाम. आसाम के अंदर जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ वगैरह है, हिली रीजन है, वहाँ पर बच्चे बैम्बू ब्रिज से चढ़कर जाते हैं. आपको मैं उसका एक फोटो दिखाऊं. देखिए, ये है एक बैम्बू ब्रिज, है ना. इस बैम्बू ब्रिज में आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं इस ब्रिज पर चढ़ के जा रहे हैं. और ये जो ब्रिज बनी हुई है ये सारे बैम्बू से बनी हुई है, यानी दो पहाड़ों के बीच में ये बैम्बू स्टिक करते हैं और उसके बाद उस पर चढ़ के जाते हैं. आप एक और चीज़ देख सकते होंगे, इन बच्चों ने एक हाथ से वो अपना बैम्बू पकड़ रहे हैं और एक हाथ से उन सब ने अपनी अपनी बुक्स पकड़ रखी हैं. और आपको इनके साथ कोई बड़ा नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आया रहते हैं. सो यहाँ पर जो एरियाज हैं जहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने के लिए बीच में पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं, तो वो बीच में क्या यूज करते हैं? बैम्बू ब्रिज. सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है द ट्रॉली, जो कि लद्दाख में देखी जाती है. लद्दाख जैसे जो ठंडी ठंडी जगहें हैं वहाँ पर भी ऐसे ही मतलब पहाड़ हैं जो ऊंचे बहुत हैं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए वो लोग ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं. सो आइए देखते हैं ट्रॉली कैसी है. सो देखिए, ये है एक ट्रॉली, है ना, दिख रही है आपको? ये एक बॉक्स जैसा है और इसको किससे लटकाया गया है? एक रस्सी से लटकाया गया है. उस रस्सी पे जो ये जिससे लटक रही है उस चीज को हम बोलते हैं पुली, यानी कि ट्रॉली जो चलती है वो एक चीज से चलती है. सबसे पहला तो जो बॉक्स होता है ट्रॉली के अंदर, और दूसरा उसका लटकने का जो हुक होता है उसे हम कहते हैं पुली. सो ट्रॉली जो है वो रोप के ऊपर चलती है और वो लटक रही होती है पुली की हेल्प से, और नीचे से ऊपर वो बच्चों को लेके जा सकती है. इस बॉक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 बच्चे एक टाइम पे जा सकते हैं. थर्ड वन जो हमारा है वो है सीमेंट ब्रिज, जो कि नॉर्मली सिटीज में हम देखते हैं. आप अपने एरिया में भी देखते होंगे कई सारी जगहों पर एक नदी को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर सीमेंट की ब्रिज बनाई जाती है. या नहीं तो अगर आपको सीधा कहीं जाना है और बीच में जो गांव आ रहे हैं, दो तीन रोड्स आ रहे हैं, उनको नहीं क्रॉस करना है, तो उन रोड्स के ऊपर भी ब्रिजेस बनाई जाती है. इन ब्रिजेस को बनाने के लिए सामान कौन सा लगता है? आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब इनमें काम आता है. और ये जो ब्रिजेस होती हैं ये हैवी से हैवी व्हीकल को भी उठा के जा सकती हैं. तो नॉर्मली सिटीज में कौन सी ब्रिज पाई जाती है? सीमेंट ब्रिज. नेक्स्ट है वल्लम, जो कि केरला में पाई जाती है. अब केरला में जहाँ पर नदियाँ हैं और पॉन्ड्स वगैरह हैं, तो वहाँ बच्चे जो हैं एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए एक छोटी सी नाव का इस्तेमाल करते हैं, बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं वल्लम. सो देखिए, ये आपका एक तो
पहला है सीमेंट ब्रिज। इस पर आप देख सकते होंगे साइड में यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी वो ब्रिज को जाने चाहते हैं, तो वो सीढ़ियों से चढ़कर और चल के ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये है आपका वल्लम। ये जो एक छोटी सी बोट आपको यहाँ दिख रही है ये वल्लम है, जहाँ पर बच्चे जो हैं अपने आप नाव को चला करके आगे चलते जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारा आता है कैमल कार्ट। अब कैमल कार्ट से तो आप समझ सकते होंगे कि ये कैमल से चलती है, कैमल यानी कि ऊंट, और कार्ट का मतलब होता है ऊंट के पीछे जो लगी हुई गुड़ की बनी हुई होती है, कैमल से वो चलता है। सो कैमल कार्ट नॉर्मली सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का मेन एनिमल कौन सा है हम सबको पता है, वो है कैमल। सो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है कैमल कार्ट, जिसमें बच्चे कैमल कार्ट पे बैठ के पूरे रेगिस्तान को क्रॉस करके स्कूल की तरफ जाते हैं। आइए देखते हैं कैमल कार्ट कैसा दिखता है। देखिए ये है एक कैमल और उसके पीछे यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। ये एक इंसान है जो कि कैमल कार्ट को चला रहा है। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बुलक कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी हम जिसे कहते हैं। दो बुलक्स जो हैं, दो बैलें, वो इस कार्ट को चलाती हैं। और जैसे कि सिटीज में सीमेंट ब्रिज देखी जाती है ज्यादातर, वैसे विलेजेस में यानी गाँव में ज्यादातर क्या देखा जाता है, बुलक कार्ट। इस कार्ट में सिर्फ बच्चे ही नहीं पर बहुत से सारी चीजें जो ऐसे होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आती हैं। तो देखिए बुलक कार्ट कैसी है, आप देख सकते होंगे इस फोटो में यहाँ पर दो बुलक्स इसको चला रही हैं और यहाँ पर पीछे सारे बच्चे जो बैठे हैं वो इस पर जा रहे हैं। सो अभी हमने जो भी सारे डिस्कस किए उसके अलग अलग एटमोसफेयर थे, जैसे कि आसाम में पूरा पहाड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को जाने के लिए क्या यूज होते हैं, बैम्बू ब्रिज। फिर लद्दाख है, पूरा ठंडा इलाका होता है और वहाँ पर जो बड़ी सी पहाड़ होते हैं वहाँ पर वो लोग यूज करते हैं ट्रॉली, यानी नीचे से ऊपर जाने के लिए। फिर सिटीज में जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहाँ बच्चे यूज करते हैं सीमेंट ब्रिज को। और केरला में जहाँ नदियाँ बहुत सारी हैं और पॉइंट्स वगैरह हैं, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए वो छोटी सी नाव का यूज करते हैं, उस नाव को हम कहते हैं वल्लम। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एनिमल जो पाया जाता है वो है कैमल, और उसी को यूज करके ये लोग चलाते हैं कैमल कार्ट, जिस पर बच्चे स्कूल जाते हैं। और विलेजेस में, जैसे कि सिटीज में मैंने बताया नॉर्मली सीमेंट ब्रिज पाई जाती है, वैसे विलेजेस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। सो आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने पिक्चर्स भी कुछ इनकी दिखाई। Tomorrow we'll discuss another 5 ways to go to school. I hope you'll stay safe at your home. Take care of yourselves and thank you.